सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं सनी भोंसले अभी पे न्यू आई एस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ सबका। बच्चों, समय अब आ चुका है कि आप कमर कस लें और सी सेट को बहुत सीरियसली लेने लग जाएं, बिकॉज अभी तक काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सी सेट को सीरियसली नहीं ले रहे, जिन्होंने तैयारी के लिए कॉपी तो छोड़ो पेन भी हिलाने की भी जहमत नहीं उठाई है कि भैया हम पेन उठा लें और तैयारी कर लें। एक साल की मेहनत है आपकी, एक साल की, अगर ये साल गया तो सोच लो अगले साल पे काम जाएगा। अगर अभी से तैयारी शुरू करोगे ना हमारे साथ, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया रहोगे, क्योंकि अगर पिछले साल वाला पेपर रिपीट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं वही आगे जाएंगे, आप फिर पीछे रह जाएंगे। सोच के चलिए इस बात को, और एक काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है आपके लिए, काफ़ी गहन चिंतन का विषय है आपके लिए अगर आपने अभी तक सी सेट की तैयारी शुरू नहीं की है। क्योंकि सी सेट की तैयारी कोई बच्चों का खेल नहीं है, सी सेट की तैयारी बच्चों का खेल नहीं है, बट जो सही डायरेक्शन में सही टाइम पे शुरू करेगा उसके लिए एक गेम की तरह ज़रूर है कि वो कितने अच्छे से खेलेगा इसको। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये नहीं है कि पेपर आसान होगा और ईजिली क्रैक हो जाएगा, क्या सोच के चलेंगे। इंग्लिश है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रीजनिंग है, अरे रीजनिंग तो आसान सी आती है, अरे नंबर सिस्टम कर लिया काम चल जाएगा। कहाँ लिखा है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। हाँ, ट्रेंड ज़रूर है, उसको देख के चलना पड़ेगा हमें, बट कोई श्योरिटी तो नहीं स्टूडेंट्स इसमें कि मुझे करना ही करना है। तो क्यों इतनी ढील दी हुई है आपने, क्यों हमारे साथ तैयारी नहीं शुरू करते आप। अब जो बच्चे सीरियस हैं ये उनके लिए हैं। अभिमन्यु आईएएस ने एक अर्ली बैच शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ सी सेट डेडिकेटेड बैच, जिसके अंदर आपके कुछ हिडन फीचर्स भी हैं वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे टाइमिंग्स रहेगी इसकी दिन में 3 से 4 बजे, 4:30 तक, और डेली इस क्लास के बाद 30 मिनट का आपका एक डाउट सेशन रहता है। अब डाउट्स कब आएंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। आप पहले फीचर सुनिए इसमें क्या है। इसमें आपको 180 प्लस लेक्चर्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको टोटल 90 लेक्चर्स मिल रहे हैं, टोटल 90 लेक्चर्स, जिसमें 50 लेक्चर क्वांट के हैं, 25 आपके लॉजिकल रीजनिंग करेंगे और 15 लेक्चर आपके पास इंग्लिश करेंगे। ये 90 लेक्चर्स वो हैं जो आपको क्लास के इन क्लास मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ बैच है कि जिस दिन आप बाई चांस कहीं बाहर है नहीं लगा पाए तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब 180 प्लस तो बोल दिया सर आपने, तो 90 बाकी 90 प्लस, देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर लेक्चर्स मिल रहा है आपको 15 जो ऑलरेडी प्रीलोडेड है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है आपको 50 प्लस, लाइव मेंटरशिप सेशन मिल रहा है आपको 30 प्लस। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट कोर्स। अब मैंने कहा था कुछ हिडन फीचर्स है, अब हिडन फीचर सुन लो। वट आर द हिडन फीचर, ठीक है। अच्छा, ये हिडन की तरह भी नहीं दिख रहा। वट आर द हिडन फीचर, देखो जो आपका लेक्चर होगा ना लेक्चर, उसके साथ नंबर एक पीडीएफ अटेस्ट होगी, हमेशा हर लेक्चर के साथ आपकी पीडीएफ अटेस्ट होगी, जो कि क्या होगी आपकी क्लास पीडीएफ बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे क्लास पीडीएफ। नंबर टू पे क्या होगा आपके पास, नंबर टू पे होगा रिसोर्सेज, मतलब उस चैप्टर में जो भी थ्रेटिकल पार्ट होगा वो इस रिसोर्सेज में कवर होगा, कोई डेफिनेशन होगी, कोई फॉर्मूला हो गया समथिंग। नंबर तीन पे रहेगी प्रैक्टिस शीट, अब इस प्रैक्टिस शीट, ये 30 मिनट इन प्रैक्टिस शीट्स के लिए ही है। जो लास्ट का डाउट सेशन मिल रहा है आपको हर क्लास में 30 मिनट का, वो आपका क्या है, वो आपका प्रैक्टिस शीट ही है। तो ये तीन हिडन फीचर हैं बैच के, जो उन्हीं बच्चों को अवेल हो रहे हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े। क्लियर, फीस कोई ज़्यादा नहीं है। कोई क्वेरी हो तो 9517771651 पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, ज्वाइन नाउ, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड से सीट्स होती हैं, हम भी यही चाहेंगे कि जो बच्चा पहले आया उसको पहले फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है। और इसका जो पेमेंट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाकर अवेल कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसे भी आप इजीली देखें, ठीक है। चलिए चलिए भाई, यूपीएससी 2016 का प्रश्न पत्र आज हम कर रहे हैं। आई थिंक सेट बी के क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये भी जो भी हो बट आए तो इसमें ही है, ठीक है।
द सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव मेंबर्स कंप्राइजेज अ फैमिली 3 years अगो वॉज 80 years. देखो मैंने माना कि 5 मेंबर है भाई, ए बी सी, ये 5 मेंबर है अपने पास, ठीक है. अब इसमें क्या है कंप्राइजेज, मतलब इनकी एज कितनी, 80 years. कितने साल पहले, 3 साल पहले. तो देखें जरा 3 साल पहले की, मतलब ए प्लस बी सी कितने साल है, 80 साल है. कब, आज से 3 साल पहले. इसका मतलब अगर मुझे प्रेजेंट एज की बात करनी है स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब ए भी 3 साल पढ़ा, बी भी 3 साल पढ़ा, सी भी 3 साल पढ़ा, ये भी 3 और ये भी 3. तो इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है ए बी सी डी प्लस ई की, वो कितनी, 80 प्लस 15 95 ईयर्स. ये बताइए क्लियर हुआ कि आज, क्योंकि ये एजेस का क्वेश्चन है, 3 साल पहले की है, जो राज की एज में 3 साल का फर्क जरूर है, बट टोटल एज की जब आप बात करोगे तो 15 साल का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कितने मेरे पास, 5, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्या दिया, द एवरेज एज ऑफ फैमिली टूडे इज सेम एज 3 years अगो बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ बेबी ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं ए बी सी डी प्लस ई प्लस बेबी, इनका क्या दिया है मुझे, द एवरेज एज. देखो अगर मैं यहां पे देखूं एवरेज कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 5, तो 3 साल पहले इनकी एवरेज कितनी थी, 16. क्वेश्चन में क्या बोला गया साहब, साहब कि 3 साल पहले जो एवरेज थी वही एवरेज आज है. तो एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 16, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस बीबी, इनकी एज कितनी होगी, 96 ईयर्स. ये क्या हुई प्रेजेंट एज, ये भी मेरे पास क्या है, प्रेजेंट एज, ये भी मेरे पास क्या है, क्लियर. देखो ए बी सी डी ई, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 95 ईयर्स, और इन सब की मिला के कितनी है, 96 साल. इसका मतलब इन सब की अगर 95 है, तो जो ये छोटा सा बेबी है, प्यारा नन्ना मुन्ना, वो कितने वर्षीय है, वो 1 साल का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा है. देखो इसमें क्या था, अब बेसिकली क्या बोला जाएगा, एवरेज और एजेस का क्वेश्चन था. अब खुद सोच के बताओ इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं था, क्लियर. कहने को तो बहुत सारी चीजें, बट इजीली चलिए. द टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 persons आर द सेम, बट 1 गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे, एंड द अदर गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ हिज बेसिक पे. द रेशियो बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर. देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है. अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं अलाउंस कितनी है, अलाउंस टू फर्स्ट पर्सन वो कितनी है मेरे पास बेटा, 65% है, ठीक है. अलाउंस टू सेकंड पर्सन वो कितने मेरे पास, 80%. अब देखो बेसिक, अब मैं एक टर्म यूज करने वाला हूं, टोटल इमोल्यूमेंट्स. देखो ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास बेसिक पे प्लस अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैंने समझी है, क्लियर. यानी अगर मैं इसको x मानता हूं पहले वाले को और इसको मानता हूं y, यानी x प्लस 65% ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 80% ऑफ y, लिख सकते हो बिल्कुल यही लिखना आपने, क्लियर. अब देखो जरा यहां इसको कर लें, यानी x प्लस
65/100x इज इक्वल टू वाई प्लस 80/100y। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल सा मैंने सिनेरियो बता दिया, उसी को बस फॉलो करना है आपने। तो 13, 20, 4 यानी x जमा 13/20x बराबर y जमा 4/5y, तो ये कितना हो गया 20x जमा 13x/20। ठीक है जी, तो क्या एक बार कैलकुलेशन चेक करें, यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक चल रही है हमारी, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो 5y + 4y/5, क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं जरा, तो ये कितना होपफुली नोट तो कर ही लिया होगा आपने। तो एकदम 33/20x शून्य बराबर 9y/5, तो ये क्या हो गया 4, 3, 3, 9, 11, तो 11/4x इज इक्वल टू एक्स कितना आया, एक्स अपॉन एक्चुअली वाई निकालना है मुझे, 12/11। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पे आपको टोटल का पता होना चाहिए कि टोटल क्या होगा, इनिशियल प्लस आपका अम्यूलेट। ठीक है, चले जी, राम एंड श्याम वर्क और द टाइम एंड वर्क से एक थिंग, शायद दो क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। राम टेक्स लीव देन एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द इंटायर जॉब अलोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट हैं और दो अलग अलग पार्ट्स को करेंगे हम सॉल्व। देखो राम प्लस श्याम, इसका मतलब मैं बोलूं बस 60% ऑफ वर्क किसने किया है, राम प्लस श्याम ने, भाई कितने देर में, क्या दिया क्वेश्चन में 4 days। ठीक है, फिर वो क्या करे, अभी इसको मैं ऐसे कैसे लिखा रहने दूंगा और पार्ट बी को मैं लिखूंगा यहां पे। ठीक है, राम टेक्स लीव एंड देन श्याम वर्क फॉर 8 more days, इसका मतलब देखो टोटल वर्क मेरे पास क्या था, 100% था, टोटल वर्क 100% था, इसका मतलब ये किस में टूटा हुआ 60% एंड 40% में गया होगा, डन। इसका मतलब 60% काम इसने इन दोनों ने मिलके किया, तो 40% ऑफ वर्क किसने किया होगा, भाई कौन छोड़ के गया है, शाम 8 days में, बस यहीं से मेरा उत्तर निकलेगा। अब देखो जरा क्या है मेरे पास, 60% का मतलब यानी 3/5 ऑफ टोटल काम राम प्लस श्याम ने किया कितने दिन में, 4 दिन में। तो राम प्लस श्याम ने टोटल काम कितने दिन में किया होगा, 20/3 days में, समझिए जरा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 40% का मतलब 2/5 ऑफ श्याम का काम 80 days में, तो श्याम ने कितने दिन में किया होगा, 20 days में। ये चीज थी नंबर 2 समझने वाली भाई। ठीक है, अब देखिए जरा, अब यहाँ पे करते हैं राम प्लस श्याम किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20/3 में, और श्याम कितने में कर रहा है, 20 में। तो भाई क्या मैं 20 इसका एलसीएम ले लूँ, 20 एलसीएम लेके काम चलेगा, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखो वर्क टाइम इनटू एफिशिएंसी, अगर 20 वर्क है, टाइम 20/3 है और एफिशिएंसी निकालने, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी होगी 3 और यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ श्याम कितनी होगी, ये राम प्लस श्याम। ठीक है, यानी अगर मैं छोटी सी यहाँ पे आपसे डिस्कशन करूँ, एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस एफिशिएंसी ऑफ श्याम कितने मेरे पास, 3, एफिशिएंसी ऑफ श्याम कितने मेरे पास, 1, क्लियर। ये छोटी सी बात है, यहाँ से निकाल लूँगा मैं सारी चीज़ें, मैंने बता दी आपको। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भैया हाउ लॉन्ग वुड राम, इसका मतलब श्याम की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी निकल गई,
सो वर्क टाइम ऑफ राम एफिशिएंसी ऑफ राम, सो वर्क कितना है मेरे पास, वर्क आ गया बेटा मेरे पास 20, टाइम ऑफ राम एफिशिएंसी ऑफ राम इज हाउ मच, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 10 days. क्लियर? अब बताइए इससे आसान प्रश्न मैं कैसे करूँ आपको. बिल्कुल मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज को एक्चुअल डेटा में तोड़ दिया, बस इतना सा मैंने काम किया है. चलिए बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए क्या दिया है, 4-digit number आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3 and 4 एंड नन ऑफ दिस 4 digit आर रिपीटेड इन एनी मैनर. इसका मतलब अपने को भाई 4 digit का नंबर बनाना है बट कुछ लिमिटेशन के साथ. 4 digit का नंबर बनाना है कुछ लिमिटेशन के साथ. अब वो लिमिटेशन क्या है देखो जरा. लिमिटेशन नंबर वन क्या मेरे पास, लिमिटेशन नंबर वन है मेरे पास कि भाई 2 और 3 2 and 3 आर नॉट इन इमीडिएट फॉलो इच अदर, मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए. 1 is not immediate followed by 3 भाई एक को 3 फॉलो नहीं कर सकता. 4 is not appeared at the last place 4 last place पे नहीं आ सकता. 1 is not appeared at the first place मतलब जो भी नंबर है आपका 1 और 4 यहाँ पे 1 और 4 यहाँ पे एक मिनट, 4 is not appeared at the last place मतलब 4 यहाँ नहीं आ सकता, 4 यहाँ पे आ सकता है, 1 यहाँ पे नहीं आ सकता 1 यहाँ पे आ सकता ऐसा कुछ है. 1 4 1 4 रहने दो इसको, ठीक है सिंपल. अब इसमें 3 cases मैं बनाऊंगा, देखना जरा ध्यान से. केस नंबर 1 सबसे पहले ध्यान रखना मुझे करना क्या, सबसे पहले क्या दिया है 2 and 3 नॉट इमीडिएट फॉलो ईच अदर, ठीक है. केस नंबर 1 1 at last place कि भैया 1 को मैं लास्ट प्लेस पे रख सकता हूँ. देखो जब मैं 1 को लास्ट प्लेस पे रखूंगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने 1 को रख दिया यहाँ पे, ठीक है 1 गया मेरा यहाँ, तो 2 यहाँ रख सकता हूँ और 3 यहाँ रख सकता हूँ, 4 यहाँ पे आएगा. सोच के देखो उसने क्या है 2 and 3 नॉट इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे आने नहीं चाहिए, साथ ही नहीं आने चाहिए, कहने का मतलब ये. तो क्या ये बात समझ आई कि 3, 4, 2, 1 एक नंबर हो सकता है. अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है मेरे पास, देखो अगर 1 मेरा यहाँ है क्योंकि उसने क्या बोला है कि 4 मेरा एंड पे नहीं आना चाहिए, तो क्या 4 को अगर मैं यहाँ रखे, 2 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे रख दूँ, तो क्या यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बन गई 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1. ये समझ के चलना पड़ेगा आपको कि 2-3 रूल्स हैं जो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका आई थिंक 2023 में पूछा गया, शायद 22-23 में ऐसा क्वेश्चन आया है. तो ये मत कहिए कि पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस बार हुआ क्या पिछले शिफ्टों के या पिछले आप कहो सालों के सारे टफ क्वेश्चन निकाल के डाल दिए UPSC ने, तो बस डर लग गया. ठीक है जी देखो नेक्स्ट क्या है, 2 at last place टू को अगर लास्ट प्लेस पे रखूंगा तो 3 ही आ सकते हैं, ठीक है. उसने क्या बोला है 1 is not appeared in the first place अगर 1 फर्स्ट पे नहीं आ सकता तो 1 यहां पे आ सकता है, तो 4, 3, 1, 2 एक नंबर बन गया मेरे पास. क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को देखा है और मैंने कुछ नहीं देखा, ठीक है. अब देखो ये भी एक नंबर हो सकता है, उसने पहले को बोला लिमिटेशन है चौथे की है बट 3 के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो ये मेरा बन गया दूसरा नंबर. क्लियर? तो अब मेरा एक और नंबर यहाँ से बन सकता है, वो मुझे देखना है अब कौन सा. 2 यहाँ पे आ गया, अब 1 is not immediate followed by 3 मतलब 1 के पीछे 3 नहीं आ सकता, 4 लास्ट पे नहीं आ सकता और 1 पहले बन सकता. अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बची है, वो कौन सी बची है वो देखनी है मेरे को. अगर मैं ऐसे कर दूं 3
बनेगी बात बिल्कुल। तो जब मेरे दो लास्ट प्लेस पे होगा तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? अब थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सी है? केस थ्री, थ्री एट लास्ट। ये आप करके दिखाइए मुझे, ये आप करके दिखाइए मुझे। खत्म बात। तो कितने हो गए? तीन, दो, पांच और एक। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सोच के करने वाला क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि उठे और कर चल के कर दिया। क्लियर? चलिए चलिए भाई। ए सिलेंडर ओवरहेड टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 7 मीटर इज टू बी फिल्ड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइज 5.5 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। सब सेम है डायमेंशन, ठीक है। हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कम्प्लीटली? इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है, उसको मुझे एक सिलेंड्रिकल टैंक से भरना है, मतलब ऐसे डब्बा ले लो कुछ भी। वो कह रहे हैं एक बार डालने के बाद कितना बचेगा देखते। देखो अगर मैं निकालूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस कितने, पाई आर स्क्वायर होता है 22/7, 2 × 2 × ऑफ एंड हाइट इज 7, तो 22 × 44 × 88। इसका मतलब एक बार में एक टंकी जो उसमें जो भी अपना कंटेनर है टैंक उसमें 88 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है मेरे पास? LBH 5.5 × 4 × 6, 5.5 × 4 कितना हो गया 22, 22 × 6 कितना होगा 132 मीटर क्यूब। अब कुछ भी नहीं करना, देखो 132 माइनस ऑफ 88 अपॉन 132, तो बेटा ये कितना हो गया 44/132 यानी 1/3 हो सकता हो आप। क्लियर? तो आसान था, 88 और 132 आते ही वैसे बोल देना चाहिए था, बट चलो फिर भी है। चलिए जी, मैंने बोला था टाइम नंबर के दो क्वेश्चन थे इसमें, बट ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इस पर कुछ भी नहीं करना था, ट्राई कर सकते हैं। 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए, W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज, X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, Y कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, हु विल कम्प्लीट द वर्क फास्ट? देखो जल्दी काम वो करेगा जो कम टाइम लेगा। आप W की बात क्या की है, 25% W कितने दिन में करता है, 30 डेज में, सो 1/4 W कितने में करेगा, 30 डेज में, तो W कितने में करेगा 120 डेज में। X क्या करेगा, X अपना 1/4 कितने में करेगा, 10 डेज में, तो ये कितने में कर रहा, 40 डेज में। अभी तक तो X जीत रहा। अच्छा जी, Y क्या कर रहे हैं, 40% ऑफ वर्क Y कितने में करेगा, 40 डेज में, सो 40/100 ऑफ Y 40 डेज में, तो Y कितने में करेगा, अब Y तो भारी हो गया रेस से। अब 1/3 ऑफ Z 13 डेज, तो Z कितने में करेगा, जो सबसे कम टाइम में करेगा वही जल्दी करेगा, तो ऑप्शन नंबर Z कौन सा, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट जरा, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, ये है यूपीएससी सीसेट 2016 के। देखो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था ना नंबर सिस्टम का 1, 2, 3, 4 वाला, ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि यार 2023 में ऐसा क्वेश्चन है पहले नहीं आया? गलत हुआ। हालांकि यूपीएससी को ये पेपर डालने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था कि जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता थोड़ा सा था मुश्किल, बट ऐसा नहीं था कि यार 70 एक नंबर ना लिए जा सकें। बच्चे लेके गए हैं आपके जैसे पढ़ने वाले, बहुत शानदार स्टूडेंट्स ने किए हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ से करके गए हैं। रीज़न
उन्होंने बेसिक्स पे काम किया, उन्होंने उस पोर्शन पे काम किया जिनको पता कि हो सकता है इजीली। ठीक है, चलिए भाई चलिए। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टन फैमिली ऑफ फाइव इज 10,000। वट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली इफ इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीजेज बाई 1,20,000 पर मंथ। अब बच्चे क्या करेंगे गलती इसमें, वो क्या कर देंगे, इसको करके 20,000 आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कैसे लगाएंगे, देखो वो कहेंगे यार 10,000 तो फैमिली का ना है ही है और 1,20,000 और बढ़ गया, ठीक है तब कर लो, नहीं होगा देखो करें जरा। अब एवरेज ऑफ फाइव मेंबर कितना है मेरे पास 10,000, तो सम कितना होगा 5 × 10,000 यानी कितना 50,000। ठीक है जी 50,000 होगा। वट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीजेज बाय 1,20,000। अब देखो जरा ये इनका सम है। अब अगर मैं बात करूं 12 मंथ की इनकम कितनी बढ़ी, आप कहोगे 1,20,000, तो एक मंथ की कितनी बढ़ी 1,20,000 बाय 20 यानी कितना 10,000। यानी अब टोटल इनकम कितनी होगी, नाउ टोटल सम वो कितना होगा 50,000 प्लस ऑफ 10,000 60,000 हो गया और पर्सन कितने 5, तो आंसर इज, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बट लैंग्वेज थोड़ी क्रैकेबल नहीं थी इतना कहूंगा, क्लियर। तो ये था पार्ट वन बोल लो 2016 के पेपर का। तो बच्चों क्या कहोगे कैसा सलूशन था, प्लीज अब लाइक कर रहे हो देख रहे हो वीडियोस को बट शेयर कब करोगे और जो बैच के बारे में पहले मैंने इंफॉर्मेशन दी वो कब लोगे ये बताइए मुझे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो धीरे धीरे इम्प्रूव करने वाली हैं। अब इन क्वेश्चनों को देखिए आपको पता लग गया होगा कि कौन से फैक्टर्स पे ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, क्लियर। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन बचा है मेरे पास। अ पर्सन अलाउड 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फॉर द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन यानी प्रॉफिट, वट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क ₹770। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो जब भी आपको डिस्काउंट एंड प्रॉफिट दिया हो, जब भी आपको डिस्काउंट एंड प्रॉफिट दिया हो आपका रेशो किसका मिलेगा, सीपी रेशो। हमेशा याद रखना जब भी आपके डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हो ना आपके पास हमेशा सीपी रेशो एमआरपी का रेशो बनता है। अब सीपी क्या होगी 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज, एमआरपी क्या होगी 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। अब 100 माइनस डिस्काउंट 10% डिस्काउंट यानी 100 माइनस ऑफ 10%, तो 100 प्लस ऑफ तो ये कितना होगा 90:110 यानी कितना, यानी सीपी रेशो एमआरपी कितना 9:11 क्लियर। एमआरपी कितना है 770, कितने गुना 70 गुना, तो इसको भी 70 गुना करो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 630, क्लियर। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था बिकॉज इसमें हमने एक ऐसा ट्रिक लगाया है जो आपने अभी अभी सनी सर से अभिमन्यु आई एस पे सीखा है, क्लियर। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। अब वो चीज़ जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है अगर आप एक अच्छी तैयारी में जुटे हुए हैं, मतलब एक ऐसी डेडिकेटेड चीज़ या आप कहो
आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट हो सकता है वो है अभी पीडीएफ माइक्रो वर्सेस माइक्रो कोर्सेज। अभी वाई माइक्रो कोर्सेज के माइक्रो कोर्सेज में आपको कुछ नहीं, पूरा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं बेटा। आपको माइक्रो कोर्सेज में क्या करना होता है, आपको माइक्रो कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर को खरीदना होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोगों का सबसे बड़ा डर क्या आज के टाइम का, नंबर सिस्टम दिखाता हूँ आपको। नंबर सिस्टम का कैसे यहाँ पे करवाया गया, देखिए यहाँ पे है आपके पास सीसेट, यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड दिस इज माइक्रोवर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे आप 10 का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अपना और टीम आपसे अपने आप जुड़ेगी। सिर्फ आप मोबाइल नंबर डाल के कॉल में व्हाट्सएप करना है। और ये देखिए, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक नहीं मिलता या नहीं अपील कर पा रहे वहाँ से, तो जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे भी आपको साइड में दिख रहा होगा, भी दिखा था वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की मैं बात करता हूँ सबसे पहले माइक्रो कोर्सेज में, देखिए पूरा बंडल आपके पास 3363 का है। नहीं खरीदना ना खरीदो मुझे क्या, बट नंबर सिस्टम तो खरीदोगे, ये तो करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन थे 2023 में, सॉरी, तो कितने का, सिर्फ 324 का। 10 डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर, 9 वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे सिंप्लीफिकेशन और आपको विद प्रूफ दिखाया गया कि भैया 21.88 यानी 22 से 25% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, यानी 1/4 पार्ट आपका नंबर सिस्टम कवर कर रहा है, क्लियर। सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सब का माइक्रो कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। देखो जैसे मैं बात करूँ रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, इसमें क्या है, इसका पूरा 2681 का मतलब जैसे पर्जल टेस्ट है, ये ले लीजिए, रैंकिंग ऑन ऑर्डर, स्टेटमेंट, डायरेक्शन, तो सब चीज़ें अवेलेबल। और एक इंग्लिश का तो कैसे, इंग्लिश का बड़ा प्यारा सा छोटा सा बंडल दिखा देता हूँ आपको मैं। और यहाँ पे देखो जो कोर्स हमारा चल रहा है ना, जो कोर्स हमारा चल रहा है उसके यहाँ पे क्या है, उसके यहाँ पे आपके पास लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना नीचे, जो आपको लेक्चर का लिंक मिलेगा वहाँ पे 4 से 5 लेक्चर क्या है आपके डेमो लेक्चर्स, आप उनको भी देख सकते हो इजीली, ठीक है। जैसे भाई ये रहा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देखिए पूरा बंडल 411 का है, इसके अंदर क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और वर्ड बिल्डिंग है। सो ऐसे करके आप किसी भी चैप्टर का माइक्रो कोर्स अवेल कर सकते हैं। सो प्लीज़ देर मत कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।